आजादी के 75 साल के 75 कहानियों में आज हम आपको बताएंगे उस गुमनाम मुस्लिम देशभक्त के बारे में जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर गांधी जी की जान बचाई थी। यह बात है साल 1917 की, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उनके लौटने के बाद स्वतंत्रता सेनानी शेख गुलाम, शीतल राय और राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बिहार आने का आमंत्रण दिया था। तभी गांधी जी मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों के साथ बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे। गांधी जी बिहार नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने पहुंचे थे, जिसके लिए वे मोतिहारी जिला के चंपारण गांव में पहुंचे थे। नील फैक्ट्री के मैनेजरों के नेता इरविन ने उन्हें बातचीत और रात के खाने पर आमंत्रित किया था, जहां इस गुमनाम देशभक्त ने गांधी जी की जान बचाई थी। यह देशभक्त कोई और नहीं, इरविन के यहां काम करने वाले बतख मियां अंसारी थे, जो कि बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। दरअसल गांधी जी का नील उत्पादन में हस्तक्षेप करना इरविन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इरविन ने गांधी जी की जान से मारने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने गांधी जी को रात के खाने पर बुलाया, ताकि वह खाने पीने की चीजों में कोई ऐसा जहर दे दे जिसका असर कुछ देर बाद से होता हो। ऐसे में इरविन की नाक में दम करने वाले गांधी जी की जान भी चली जाए और उसका नाम भी नहीं आए। इसके लिए इरविन ने उनके यहाँ काम करने वाले बतख मियाँ को चुना। गांधी जी के दूध में जहर मिला दिया गया और बतख मियाँ से कहा गया कि आप वो दूध वाली ट्रे लेकर गांधी जी के पास जाए। बतख मियाँ अपने हाकिम के हुक्म से इनकार नहीं कर पाए। बतख मियाँ धर्म संकट में पड़ गए। जहर वाला दूध गांधी जी को देने से गांधी जी की मौत हो जाती और दूध नहीं देने से बतख मियाँ की नौकरी और जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए बतख मियाँ भारी मन से दूध वाली ट्रे लेकर गांधी जी के पास पहुँचे, लेकिन बतख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रे गांधी जी के सामने रख दे। गांधी जी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बतख मियाँ रोने लगे। बतख मियाँ को रोता देख गांधी जी सारी बात समझ गए और उन्होंने बतख मियाँ के बिना कुछ बोले यह बात समझ ली कि दूध में जहर मिला हुआ था। इससे गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन बतख मियाँ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।